क्यों सर? मैं तो अपनी बना रहा हूँ, आपकी बना ही नहीं रहा। आपका चेहरा आएगा फिर मुझे बोलना। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। मैं हूँ मेहरान और आज मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि मैं इफ्तार से पहले आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने निकला। मैंने कहा यार एक अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं, अपने लिए शूज़ लेता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने नए शूज़ नहीं लिए, मैंने सोचा आज जाता हूँ और अपने लिए अच्छे से शूज़ लेता हूँ। तो अशफाक से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ और हम लोग चलते हैं हाइपर स्टार डॉल्फिन मॉल जो कि क्लिफ्टन में है, वहाँ चलेंगे और वहाँ नाइकी एडिडास दोनों के आउटलेट्स हैं, वहाँ पे से कोई अच्छे से शूज़ लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाएंगे। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने व्लॉग शुरू किया और मैंने तकरीबन एक दो मिनट के सीन लिए वहाँ पर, और फ़ौरन ही सिक्योरिटी गार्ड ने आके मुझे मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला भाई मैं अपनी बना रहा हूँ, किसी और की नहीं बना रहा। शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं प्रैंक तो नहीं कर रहा। नहीं भाई, मैंने कहा मैं अपनी बना रहा हूँ, अपना व्लॉग बना रहा हूँ और किसी को नहीं ले रहा वीडियो में। फिर भी मुझे उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। मैं आपको पूरी फुटेज यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब अनकट दिखाऊंगा, जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और जहाँ से उसने मुझे रोका था, पूरा अनकट आप लोगों को मैं अभी आगे दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग देखिए फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूँ मेहरान और आज की वीडियो में मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ हाइपर स्टार डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन पे और यहाँ मॉल में मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे शूज़ लेने हैं भाई। मेरे पास जो शूज़ हैं वो काफ़ी सारे पुराने हो गए यार, जितने शूज़ थे पुराने हो गए, पहन पहन के रगड़ लिए मैंने उनको। आज मुझे अपने नए शूज़ चाहिए तो मैंने सोचा कि मॉल से आके लेता हूँ और आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी शूट करता हूँ। बाकी मेरे साथ हर बार हर दिन की तरह मेरे भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या देख रहे हो भाई जान? रोलेक्स की घड़ियाँ देख रहे हो? मेरी गुर्बत का अंदाज़ा हो गया मैं जब। कैसे कैसे ये घड़ी कितने की है? हाँ 8-10 लाख की। 10 लाख रुपये की है? अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपसे एक वादा करूं भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ रोलेक्स में ना इसी आउटलेट पे आके 10 लाख रुपए की घड़ी तेरा भाई खरीदेगा। अच्छा। ये व्लॉग में वादा कर रहा हूँ। मुझे लगा वादा आप कर रहे हो कि मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह आपको 10 लाख की घड़ी। यार मैं लूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने लिए। ये है ना, कभी कभी ले जाओ ऐसे उधार में। हाँ हाँ, मसला नहीं है यार। यार आज तो नहीं ले सकता भाई, आज तो 10 लाख की घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक दिन आएगा और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई। लाइक करने से कुछ नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलती है और लाइक से हमें पैसे भी नहीं मिलते भाई, पैसे हमें व्यूज़ के मिलते हैं। व्यूज़ जितना आते उस हिसाब के मिलते हैं। अगर आप देख रहे हो तो पैसे मिल रहे हैं, लाइक करो, लाइक से मिलता है मोटिवेशन। बाकी अस्सलाम वालेकुम भाई, आए भाई, कैसे हैं भाई? कैसे हैं भाई? ठीक है, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं, आप आपकी हर वीडियो लाइक करता हूँ, मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। और आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। लियारी में रह रहे क्या? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं नाइकी का आउटलेट कहाँ है? नाइकी का आउटलेट कहाँ है? ऊपर है। हाँ जी नाइकी का, अपनी बना रहा हूँ भाई। अपनी तो बना सकता, अपनी नहीं बना सकता क्यों? बस मॉल के शॉपिंग आउटलेट के अंदर अलाउ है? आउटलेट के अंदर भी अलाउ नहीं, आपको भी आगे डायरेक्ट कंप्लेंट करेंगे आपको। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके स्पेशल परमिशन होती है कि पहले जाके परमिशन? मॉल के अंदर अपनी वीडियो बनाना है? नहीं, इसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं, बिल्कुल। जी तो आप लोगों ने वीडियो देखी, एक तो उन्होंने मुझे मना किया, ऊपर से बड़ी बदतमीजी से मना किया, फिर उसके बाद जब वीडियो बंद हुई उसके बाद भी उसने काफ़ी हमसे बदतमीजी की उस बंदे ने कि यार ऐसे आप लोग नहीं कर सकते, कहीं भी आके आप लोग वीडियो बनाते हो। तो भाई हमने अपनी वीडियो बनाई, किसी और की तो बनाई नहीं। चलो हमने किसी को तंग किया होता, कुछ किया होता तो एक बात होती, हम तो अपनी वीडियो बना रहे हैं, अपना व्लॉग, अपना मोबाइल हम दिखा रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी बात समझ नहीं आई कि क्यों अलाउ नहीं किया। और इस मॉल के मैनेजमेंट से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर वहाँ तक जाए तो हमें बताओ तो सही कि वीडियो अलाउ है क्यों नहीं। अगर मैं सिर्फ अपनी बना रहा हूँ मॉल में, किसी और बंदे की नहीं बना रहा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन खैर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मैं गया, मैंने सोचा कि यार पिज़्ज़ा लूँ और आप लोगों के लिए पिज़्ज़े का व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं हमेशा सोच के रखता हूं कि आप लोगों को क्या क्या दिखाना है। तो मैंने ये भी सोचा था कि आप लोगों को इंशाल्लाह मैं पिज़्ज़ा का भी एक व्लॉग दिखाऊंगा। तो मैंने कहा चलो यार वो जूते तो नहीं ले पाए, वो व्लॉग नहीं बना, तो जाके पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले गया 14th Street पिज़्ज़ा, वो भी एक जगह है डिफेंस में। वहाँ तो उन्होंने जैसे ही मैंने बाहर वीडियो ऑन की तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फ़ौरन ही मना कर दिया। अभी तक मैंने वीडियो ऑन भी नहीं की थी, मैं सिर्फ वहाँ पर अपने वीडियो को चेक कर रहा था कि कौन सा एंगल से मैं सही आ रहा हूँ या कौन सा एंगल से वीडियो अच्छी बन रही है। तो उतने में ही मुझे गार्ड ने बाहर से ही मना कर दिया, तो उसकी तो फुटेज भी मेरे पास नहीं है। फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, पिज़्ज़ा और भी है बहुत सारी जगहों पे। फिर मेरे दिमाग में डोमिनोज़ आया, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मैं रेगुलरली खाता भी हूँ, मुझे पसंद भी, और वो ब्रांड भी बहुत अच्छा है और बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, हर जगह पर है वो। तो मैं वहाँ गया,
वहाँ जाने के बाद भी मुझे मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे व्लॉग शूट नहीं कर सकते। हालांकि मैं तो इनकी तारीफ़ कर रहा था, मैं तो फ्री प्रमोशन कर रहा था जिसके लिए लोग मुझे पैसे ऑफर करते हैं। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि कभी किसी को प्रमोट नहीं करता, पैसे लेके झूठ नहीं बोलता। मुझे लोगों ने लाखों रुपए भी ऑफर किए कि भाई आप इतने पैसे ले लो, हमारे इस बेटिंग ऐप को प्रमोट कर दो, इसको प्रमोट कर दो। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट भी हैं, मैसेजेस हैं, हर चीज़ है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है ना, मैं किसी को बताना चाहता हूँ। ये साल साल दो दो साल पुराने बातें, दो दो साल से मेरे पास बेटिंग ऐप्स आ रहे हैं, मैं उनको फौरन मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करनी प्रमोशन। आपने मेरी वीडियोस पे देखे होगे, मैं प्रमोशन करते ही नहीं हूँ। या फिर कहीं का खाना मुझे नहीं पसंद, वहाँ मुझे लोग बुलाते हैं कि आके हमारी प्रमोशन कर दो, मैं नहीं करता। जो मुझे पसंद आता है मैं फ्री में जाके करता हूँ। तो मैं तो फ्री में जाके कह रहा था कि भाई आगे पिज़्ज़ा अच्छा है, इन्होंने मुझे मना कर दिया। इनका भी आपको अनकट फुटेज दिखाता हूँ, शुरू से एंड तक आपको दिखाऊंगा कि मैंने स्टार्ट में क्या बोला है। बाकायदा मैं तारीफ़ कर रहा हूँ वहाँ पर, और फिर उन्होंने मुझे कैसे रोका है वो भी आप लोग ज़रा देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मैं हूँ मेहरान हाशमी, और आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि यार मैं बहुत टाइम हो गया मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, जब से रमज़ान है, बल्कि रमज़ान के भी काफ़ी टाइम दिन पहले से मैं पिज़्ज़ा मुझे नहीं मिला, तो आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मूड हुआ। तो मैं आया हूँ यहाँ पर डोमिनोज़ पर, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि पिज़्ज़े का अगर कोई सबसे अच्छा ब्रांड है तो डोमिनोज़ है, कि पिज़्ज़ा तो वैसे ही पाकिस्तान में फ़िलहाल है नहीं, तो डोमिनोज़ से अच्छा पिज़्ज़ा मैं नहीं समझता कराची में कहीं पर मिलता होगा। तो आइए आप लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ। बाकी जी, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लियरली सुना कि मैं कैसे इनकी तारीफ़ कर रहा था और इनको कराची का बेस्ट पिज़्ज़ा बता रहा था अपने दिल से। इनसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ भी सीन ऐसा नहीं था, बस मैं अपने दिल से कह रहा था क्योंकि मुझे वाकई ये पसंद था। तो उसके बदले मेरे साथ सलूक कैसा, वो आप आगे देखिए। क्यों सर, मैं तो अपनी बना रहा हूँ, आपकी बना ही नहीं रहा। आपका चेहरा आएगा फिर मुझे बोलना, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी नहीं बना सकता। जी, तो आप लोगों ने देखा कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा था, मैं कह रहा था कि कराची में बेस्ट पिज़्ज़ा है ये, और बहुत कुछ मैंने इनकी तारीफ़ पे बोला, फिर भी इन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन जब मना कर दिया तो मैंने कहा ठीक है फिर निकल जाते हैं, आप लोग अगर बना नहीं दिए तो आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन खैर, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है कि आप कंटेंट बना रहे हो और आप किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे। चलो मैं प्रैंक्स करता हूँ, प्रैंक में कोई मना करता है तो वो मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि वो प्रैंक है, वो हर एक की इजाज़त होती है। लेकिन यहाँ तो मैं अपनी वीडियो बना के उसकी चीज़ को अच्छा बोल रहा हूँ। चलो मैं बुरा बोल रहा होता तो आप लोग मुझे कह रहे थे कि यार मत बनाओ, मैं तो अच्छी बात कर रहा था। खैर, अब कुछ कर नहीं सकते इसमें, लेकिन मेरा काम था आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना और आप लोगों को सच्चाई दिखाना। तो मैंने आपको ए टू जेड सब बता दिया। मैं उन व्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, खुशी की चीज़ें दिखाएं। भाई जहाँ हम फेल होते हैं, जहाँ हमारे साथ फेलियर्स आती है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि सच्चाई दिखानी है, मकसद यही है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, और कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो आप लोगों को बिला वजह बोर नहीं करूँगा। हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही जो दो प्ले बटन हमारे पास आए हैं, एक है सिल्वर प्ले बटन, एक है जी गोल्डन प्ले बटन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वाले को भी जल्द से जल्द 100K कर दें, ताकि हम लोग यहाँ पे जो है ना एक और सिल्वर लगा दें, यहाँ पे एक सिल्वर एक गोल्ड, फिर साइड में एक और सिल्वर, फिर अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मेरी आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, बाकी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे अपने ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं आपसे कल के व्लॉग में मिलूँगा, कल भी आप लोगों के लिए जाऊँगा और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, और कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।